नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर से है, जहां से हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बिजनौर के भित्रकुटी पहुंचकर जहां पौधारोपण अभियान का श्री गणेश किया, तो वहीं बिजनौर जनपद के लिए 446 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी और एक संस्कृत महाविद्यालय की भूमि का भी शिलान्यास सीएम योगी द्वारा किया गया। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने 13 लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिया, जिनमें छात्रों को लैपटॉप, गरीब परिवार को मकान की चाबी और NRLM के तहत 12 करोड़ 60 लाख का चेक सौंपा गया। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि मुझे माँ गंगा के पावन तट पर वृक्षारोपण करने का शुभ अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि हमारे वृक्ष न केवल जल संरक्षण का काम करते हैं, बल्कि जीवन देने का भी काम करते हैं। आज प्रदेश भर में सब लोग वृक्षारोपण में लगे हैं। उत्तर प्रदेश में जितने भी 100 साल पुराने वृक्ष हैं, उन्हें विरासत वृक्ष घोषित किया गया है। पूरे प्रदेश को निशुल्क नर्सरी दी जा रही है। बिजनौर की धरती को मैंने इसलिए चुना क्योंकि पूरे प्रदेश में सबसे पहले माँ गंगा बिजनौर में प्रवेश करती हैं। जनपद में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, जिसको महात्मा विदुर के नाम पर बनाया जा रहा है। विदुरकुटी के पास संस्कृत महाविद्यालय बनाने की घोषणा भी सीएम योगी द्वारा की गई। इस मौके पर सीएम ने वन विभाग की पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस दौरान जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, वन मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना, पूर्व परिवहन मंत्री अशोक कटारिया सहित जनपद के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े हुए लाभार्थियों को सहजन के पेड़ दिए जा रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी सौजन्य के पेड़ उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। छात्रों को फलदार वृक्ष उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो किसानों को फलदार और इमारती लकड़ी के पेड़ निःशुल्क उपलब्ध कराने के कार्रवाई पूरे प्रदेश भर में चल रही है। एक बड़ा अभियान चल रहा है और यह अभियान इसलिए हम पर्यावरण को भी बचाएंगे, आम नागरिक को शुद्ध फल उपलब्ध कराने के अभियान का हिस्सा भी बनेंगे, कुपोषण को भी दूर करेंगे और किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में भी इमारती लकड़ी के माध्यम से योगदान देंगे और यह कार्यक्रम आज उसी का हिस्सा बनने जा रहा है। 100 करोड़ से भी वृक्षारोपण के विराट अभियान को उत्तर प्रदेश सरकार ने आम जनता की सहभागिता से पूरा करके प्रदेश के वनाच्छादन को बढ़ाने का कार्य किया। आज इसीलिए 30 करोड़ वृक्षारोपण के बड़े अभियान को अपने आप में लगाया दिया गया है। पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, हर खेत में मेड़ और हर मेड़ में पेड़, इस लक्ष्य को लेकर के आज प्रदेश भर में हर मंत्री, हर अधिकारी, हर छात्र, हर युवा, हर किसान वृक्षारोपण महाभियान के साथ चल रहा है और सायंकाल तक 30 करोड़ वृक्षारोपण के विराट लक्ष्य को प्राप्त करते हुए फिर यह अभियान निरंतर आगे बढ़ेगा। 15 अगस्त को फिर 5 करोड़ वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न होगा और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाने का काम करेगा। यह रिकॉर्ड वो होगा जो भले ही आज भौतिक रूप से वृक्षारोपण का होगा, लेकिन ये हमारे आने वाली पीढ़ी को जल भी देगा, उनके कल को सुधारेगा भी। जब पर्यावरण शुद्ध होगा और ये जल जीवन का प्रतीक बनेगा, रोजगार का प्रतीक बनेगा, इनके स्वस्थ जीवन को आगे बढ़ाने का प्रतीक बनेगा। उत्तर प्रदेश के वन विभाग ने इस दिशा में बेहतर प्रयास किया है। प्रदेश के अंदर 100 वर्ष पुराने जितने भी वृक्ष हैं, उन्हें विरासत वृक्ष घोषित करते हुए हेरिटेज ट्री के रूप में मान्यता देते हुए उनके संरक्षण के लिए एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और मैं आप सबसे प्रदेशवासियों से अपील करूंगा, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके नगर में, जहां कहीं भी विरासत वृक्ष हो,
उनके संरक्षण के लिए हम सबको आगे आना होगा। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।